अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे अगर आपको कीबोर्ड में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, देख सकते हैं ये जो स्पोकन कर रहा है, तो इसको आप कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। कीबोर्ड स्पोकन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको हम बंद करके जाएंगे सेटिंग पे। अब सेटिंग पे जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद स्पोकन असिस्टेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीक कीबोर्ड इनपुट अलाउड, ठीक है। तो चाहे ये वर्ड्स है कोई भी आपका सिलेक्टेड है और ये ऑन है, तो यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे कीबोर्ड को ओपन कर लेंगे और देख सकते हैं कीबोर्ड हम टाइप कर रहे हैं, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। और कीबोर्ड का साउंड अलग से बंद करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग पे, और यहाँ पे आपको जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन होगा, ये रहा, क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम साउंड आएगा, ये रहा। और यहाँ पे कीबोर्ड का साउंड अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड का साउंड भी यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।